समय की बड़ी खबर केंद्रीय कैबिनेट को लेकर आ रही है। पहला पोर्टफोलियो एक तरह से सामने है। सीधे चलते अपने सहयोगी विकास भदौरिया के पास। तो मैं आपको बता दूं, जो नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्रालय एक बार फिर से दिया गया है, ये महत्वपूर्ण है। हर्ष मल्होत्रा सड़क परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री होंगे, पहली बार दिल्ली के सांसद चुने गए हैं। विकास हमारे साथ जुड़ गए। जी विकास, तो पहला पोर्टफोलियो सामने आ गया है। विकास भदौरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। विकास, नितिन गडकरी एक बार फिर से सड़क परिवहन मंत्रालय के कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, उनके दो एमओएस होंगे, तो ये पहला पोर्टफोलियो है जो सामने आया है आधिकारिक तौर पर। या बिल्कुल, देखिए नितिन गडकरी को फिर से सड़क और परिवहन मंत्रालय दिया गया है। इसके अलावा गृह मंत्रालय अमित शाह के पास ही रहेगा, राजनाथ सिंह वो रक्षा मंत्री ही रहेंगे। तो ये तीन बड़े मंत्रालय जो अब तक सामने आए, ये विभागों का बंटवारा किया गया है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है। गृह मंत्रालय को लेकर, तमाम मंत्रालयों को लेकर अटकलें लग रही थी, तो आप ये कह रहे हैं कि अमित शाह ही गृह मंत्री रहेंगे और राजनाथ सिंह जी रहेंगे रक्षा मंत्री। ये बिल्कुल, देखिए तीन महत्वपूर्ण मंत्रालय है जिनका जिनकी जानकारी एनडीटीवी के पास है। इन तीनों मंत्रालयों का बंटवारा हो चुका है। जो सड़क और परिवहन मंत्रालय है उसमें नितिन गडकरी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है और दो राज्य मंत्री उनके साथ जोड़े गए हैं। उसमें अजय टमटा शामिल हैं जो कि उत्तराखंड से आते हैं, और उसके अलावा हर्ष मल्होत्रा जो कि दिल्ली से सांसद राज्य मंत्री बनाया गया। इसके अलावा गृह मंत्रालय अमित शाह के पास ही रहेगा और रक्षा मंत्रालय केंद्रीय मंत्री पूर्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पास ही रहेगा जो कि लखनऊ से सांसद हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त एनडीटीवी के पास है कि जो तीन मंत्रालय हैं जो प्रधानमंत्री ने मंत्रालयों का बंटवारा किया, उसमें से तीन की जानकारी एनडीटीवी के पास है, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सड़क और परिवहन मंत्रालय। तो ये कहा जा सकता है कि शुरुआत की जो तीन मंत्रालय हैं जो चार मंत्रियों ने प्रधानमंत्री के बाद जो बैक टू बैक शपथ ली थी, उसमें से तीन मंत्रालयों में कोई बदलाव नहीं किया गया।